और नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसा दिन आप लोगों का? नया साल अच्छा ही गया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप डिजिटल ग्रामीण सेवा का आईडी लेना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और इसका पेमेंट होता है वो कितना लग जाता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। इससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल BBFC इन्फो पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि डिजिटल ग्रामीण सेवा में क्या क्या सर्विस दिया जाता है और हमें ये आईडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस भी आप लोगों से निवेदन है कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। स्टेप बाई स्टेप ले करके आपको सारी बातें उसमें बताया गया। चलिए रजिस्ट्रेशन करना जाने की इससे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूले। और डिजिटल ग्रामीण सेवा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सिर्फ बस आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाइएगा। और अगर डिस्ट्रिक्शन में आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा का लिंक नहीं मिलता तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, सिर्फ बस हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसका लिंक ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखना पहुंच जाता है और अपना नेम, सिर्फ बस आप अपना यहाँ पे नेम इंटर कीजिए। और नेम इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाए अलग, इसी बस आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद नील एड्रेस इंटर करना है, आधार नंबर और पैन नंबर इंटर करना है, सिटी इंटर करना है कि किस सिटी से आप आते हैं, यानी किस स्टेट से आप आते हैं। सिंह बस आप पहले स्टेट चूज कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ जाता है सिटी, सिटी में किस सिटी से आते हैं। सिंह बस आप यहाँ पे सिटी चूज कर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फुल एड्रेस इंटर करना और सबमिट पे क्लिक करना। चलिए आगे जो प्रोसेस जानते हैं कि तो समीप में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखना बोल जाता है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे आफ्टर पेमेंट द रजिस्ट्रेशन फीस रिलेक्टेड ऑप्शन की बिलो यू रिसीव द आईडी पासवर्ड ऑन योर मेल एंड SMS आफ्टर गो टू माय प्रोफाइल एंड अपलोड योर KYC फॉर एनी पार्टी टाइप इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट आवर नंबर। मतलब भी यहाँ पे बताया गया कि थैंक यू फॉर मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसका आईडी पासवर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और फी पेमेंट कर देते हैं तो इसका आईडी पासवर्ड आपके मेल और SMS के थ्रू भी आपको प्राप्त होगा। उसके बाद मिलने के बाद आपको क्या करना है, अपना KYC अपलोड करना है। KYC अपलोड करने के लिए आपको प्रोफाइल में जाना है लॉग इन करके। तो पेमेंट यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल रहा है, अगर किसी प्रदाता को आईडी है तो आप इस दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट इसका कस्टमर केयर का पोर्टल है। और जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके कस्टमर केयर से खुद पे खुद आप कॉल पे कॉल आ रहा है आ जाएगा कि सर आप रजिस्ट्रेशन किए थे आईडी नहीं ना अदर वाला। तो पेमेंट मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे किस मोड से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम UPI पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे UPI चूज करेंगे। अभी फिलहाल इसका आईडी प्राइस था 1200 रुपया था, शायद इसका कम के 980 रुपया कर दिया गया तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है। तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सिंपल से हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पेमेंट मोड ट्रांजेक्शन मोड भी ले जाएगा और यहाँ पे आप अपने UPI के थ्रू और इसमें UPI से आप यूज करते हैं। सिंपल से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका आईडी पासवर्ड मतलब कि आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। इनकेस नहीं सेंड किया जाता है तो आपको वो जो नंबर दिया गया था उस नंबर पे जाइए और वहाँ पे मतलब कि आप बातचीत कर सकते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो पेमेंट करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो रिसीविंग है सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है वो फेल है, लेकिन आपका यहाँ पे मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको बस यही हमारा प्रोसेस था। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आप वीडियो रिपीट मोड पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना।